हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने बात की थी मंथ 13 रॉयल पास के बारे में। इस बार हम बात करेंगे मंथ 14 रॉयल पास के बारे में, और बात करेंगे जो मिथिक सूट आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे, और उसका पूरा क्रेट आपको दिखाऊंगा, क्या क्या गन देखने को मिलेगा, कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो को यहीं पर स्किप मत करना, वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो बिना कोई देरी के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मंथ 14 के रॉयल पास में हमें पहली आरपी पे कौन सा ड्रेस देखने को मिलेगा। तो गाइस, अभी पूरा अच्छे से साफ क्लियर तो आप दिखा नहीं सकता, तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो पहली आरपी पे गर्ल का ड्रेस होगा, काफ़ी बढ़िया है। और एक आरपी पे पीपी का स्किन देखने को मिलेगा, तो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे पीपी का स्किन भी। और 15 आरपी पे देखने को मिल जाएगा आपको इमोट, तो इमोट आप देख सकते हो। काफ़ी बढ़िया इमोट है। उसके साथ ही हमें देखने को मिल जाएगा एक अवतार, और अवतार के साथ ही हमें नीचे देखने को मिल जाएगा ऑर्नामेंट का स्किन भी। काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में, अभी पूरा क्लियर तो नहीं है, काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं है। अगर क्लियर आएंगी तो मैं आपको पूरा बता दूंगा, पर आप ऐसे अंदाज़ा लगा के देख सकते हो कैसा होगा कैसा नहीं। तो आप 23 आरपी पे देख सकते हो एक चश्मा देखने को मिल जाएगा आपको रेड कलर का। तो गाइस, 25 आरपी पे हमें देखने को मिल जाएगा एक ड्रेस, तो ठीक ठाक ड्रेस है, फ्री में मिल रहा है, काफ़ी बढ़िया है। और आगे हमें देखने को मिल जाएगी 30 आरपी पे देखने को मिल जाएगा बोट का स्किन, तो बोट का स्किन भी काफ़ी बढ़िया लगा मुझे देखने में, काफ़ी पहली बार आया शायद बोर्ड का स्किन रॉयल पास में, तो काफ़ी बढ़िया है। आगे बात करें इमोट का, तो इमोट भी देख सकते हो आप गाइस। तो काफ़ी बढ़िया लगा है मुझे ये वाला इमोट भी। आगे बात करें 35 आरपी पे S1997 का स्किन है, तो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे ये वाला स्किन, क्योंकि फ्री में दे रहा है तो फ्री में काफ़ी बढ़िया है। और शॉटगन का स्किन भी काफ़ी आता है नहीं आता, तो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। और इस बार 40 आरपी पे फिर से हमें देखने को मिलेगी म्यूटेंट। गाइस, पहले देते थे M16, अब दे रहे हैं म्यूटेंट। पता नहीं क्या, इन्हें ब्रस्ट से ज़्यादा ही प्यार लगता है मुझे, कभी M16 दे देते हैं, कभी दे देते हैं म्यूटेंट, तो यही देते रहते हैं। पिछली बार ठीक था, बैरल दी, काफ़ी बढ़िया लगा सबको, इस बार म्यूटेंट देंगे तो इतना बढ़िया नहीं है। और बात करें 50 आरपी के ड्रेस के बारे में, तो 50 आरपी का ड्रेस भी आप देख सकते हो पूरा क्लियर नहीं आया, तो थोड़ा लुक आप देख सकते हो कैसा है दिखने को। तो रेड कलर का होगा, मास्क डाला हुआ है और टोपी डाली हुई है, तो काफ़ी बढ़िया लगेगा। इस मंथ 14 के रिवॉर्ड इतने ही थे, अगर और पूरे क्लियर आएंगे तो मैं आपको पूरा वीडियो बना के बता दूंगा। अभी बात कर लेते हैं हम अल्टीमेट जो ड्रेस आने वाले हैं, दो आने वाले हैं, पर मैं आपको आज एक ही बताऊंगा जो रेड कलर का, उसके बारे में। तो पहले गाइस आपको ट्रेलर दिखाता हूँ, उसके बाद बात करेंगे क्या क्या देखने को मिलेगा क्या क्या नहीं। तो गाइस, ट्रेलर काफ़ी बढ़िया था। और तो गाइस, बात करें हेडगियर का, तो हेडगियर काफ़ी बढ़िया है देखने में। और बात करें ड्रेस का, तो ड्रेस तो आप जानते हो काफ़ी बढ़िया है देखने में यार ड्रेस। और इसका इमोट भी आप देख सकते हो गाइस, आपने ट्रेलर में भी देखा होगा और अभी भी देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। इसका इमोट भी काफ़ी बढ़िया है, और तो ड्रेस तो बढ़िया है ही। तो आगे बात कर ले DBS के स्किन का, तो DBS का स्किन भी काफ़ी बढ़िया है मुझे देखने में, सब रेड रेड ही होगा, रेड कलर का थीम है, तो रेड कलर की सारी गन्ने की स्किन होगी जैसे आपको देखने को मिल रही होगी। DBS ओम ओम भी आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है, बीच में लाइट लाइट बाहर आ रहा है और काफ़ी बढ़िया है। आगे बात कर ले बैकपैक, तो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे बैकपैक भी, आप घर दे सकते हो जैसे घर होता है किसी का, तो वैसे थोड़ी शेड दी हुई है, तो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे बैकपैक। आगे बात कर ले पीपी का स्किन, तो पीपी का स्किन आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है पीपी का स्किन देखने में। आगे बैरल का स्किन भी काफ़ी बढ़िया है देखने में आप देख सकते हो, और मूली का स्किन, मूली भी काफ़ी बढ़िया है देखने में, और ग्रेनेड तो बढ़िया ही बढ़िया है, ग्रेनेड का स्किन भी काफ़ी बढ़िया है। तो पैराशूट भी आप देख सकते हो, पैराशूट
मुझे इतना खास नहीं है, बाकी सब चीज़ें बढ़िया से बढ़िया है, पैराशूट इतना खास नहीं लगा मुझे। तो गाइस आपको कैसा लगा ये वाला जो अल्टीमेट ड्रेस, तो गाइस आपको कैसा लगा अल्टीमेट सूट ये वाला जो मैं आपको दिखाई, अगली वीडियो में आपको दूसरा दिखाऊंगा, तो इसका क्रिएट आपको कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट करके बता देना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मैं लेके आता रहूँगा आपके लिए ऐसे ही वीडियो, अभी के लिए चलता हूँ, बाय।